अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेसन में हम सीखने जा रहे हैं गिव का दूसरी प्रीपोजिशंस के साथ इस्तेमाल। वैसे तो उर्दू में अंग्रेज़ी लफ्ज़ गिव का मतलब देना है, लेकिन जब हम गिव को दूसरी प्रीपोजिशंस के साथ जोड़ते हैं तो क्या माना देता है, आइए हम आपको बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सीखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स सीखते हैं। गिव ऑफ इसका मतलब है छोड़ना। गिव अप का भी मतलब है छोड़ना। गिव फोर्थ इसका मतलब है छापना। गिव आउट का मतलब है बताना। गिव ग्राउंड का मतलब है पीछे हटना। गिव अवे का मतलब है बांटना। गिव एन का मतलब है हारना। गिव एंड टेक का मतलब है लेना देना। गिव वन सेल्फ ईयर का मतलब है हवाबाजी में रहना। गिव चेज का मतलब है पीछा करना। गिव अ गुड अकाउंट ऑफ का मतलब है अपनी काबिलियत मशहूर करना। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।